हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 जून और 11 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी असम के तिनसुकिया ज़िले में किस सरकारी कंपनी के तेल के कुएं में आग लगी हुई है। तो दोस्तों, अभी असम के तिनसुकिया ज़िले में OIL सरकारी कंपनी के तेल के कुएं में आग लगी हुई है। अब यहाँ पे जो OIL टर्म आया है, इसको आपको बता दूं तो इसका पूरा नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये जो आग लगी है, तिनसुकिया ज़िले के बागजाना तेल के कुएं में आग लगी हुई है। अभी अगर हाल की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो सर्वानंद सोनोवाल हैं, उनका कहना है कि अभी स्थिति को नियंत्रण करने में लगभग 25 से 28 दिन लग जाएंगे। अब आइए हम असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था, ठीक है। असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और इस संख्या की दृष्टि से यह किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत बड़ा है। असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी और यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान मिला है, ठीक है। दूसरी बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य वो है पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम अगर इस तेल के कुएं की बात करें तो इसे अभी भी बुझाने की कोशिश की गई और विदेशों से भी जो इसके जानकार उन लोगों को बुलाया जा रहा है, तो केंद्र की तरफ से हर तरह की मदद देने का आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी गोदरेज ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है। तो अभी गोदरेज ने अपना नया CEO निसाबा गोदरेज को नियुक्त किया है। ये है निसाबा गोदरेज और इन्हें ही अभी गोदरेज समूह का नया CEO बनाया गया है। ये आदि गोदरेज की बेटी हैं। अगर बात करें इसके स्थापना की तो स्थापना हुई थी 7 मई 1897 को। संस्थापक थे आर्दे सिर गोदरेज और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जय राम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। अगर इसमें जिलों की संख्या की बात करें तो वो है 12। विधानसभा में सीटों की बात करें तो है 68। राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीट है 4। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी DICC वर्ल्ड कप 2021 कहां आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी DICC वर्ल्ड कप 2021 आयोजित किया जाएगा UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में। यहां पे DICC का मतलब है DIFF वर्ल्ड कप। अब यहां पे बात आई है यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो चलिए यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल है आबू धाबी।
राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रसीद अल मकतूम, राजभाषा है अरबी। स्वतंत्रता की बात करें, जो यूनाइटेड किंगडम से अर्थात इंग्लैंड से इसे स्वतंत्रता मिली 2 दिसंबर 1971 को, और इसकी करेंसी है UAE दिरहम। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जानकारी के अनुसार जो टाइटन है वो पहले की अपेक्षा तेजी से खिसक रहा था, तेजी से चल रहा है, तो ये टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो दोस्तों, टाइटन चंद्रमा है शनि ग्रह का, ठीक है, इसे सैटर्न भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने BS6 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले स्टिकर के ऊपर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? तो दोस्तों, अभी ग्रीन कलर की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है। अब मैं आपको BS वाहनों के बारे में पहले बता दूं, तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज। इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाती है। BS के जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण की जाँच करती है। जितना बड़ा BS नंबर होगा उतना ही कम प्रदूषण होगा, ऐसा माना जाता है। इस वजह से अब BS4 की जगह BS6 लाने का निर्णय हो चुका है। इसका एक फायदा यह होगा कि BS6 लागू होने के बाद प्रदूषण को लेकर पेट्रोल और डीजल वाहनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। डीजल की कारों से 68% तथा पेट्रोल की कारों से 25% नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि BS6 वाहन जो भविष्य में आने वाले हैं उनका प्रदूषण के लिए कितना ज़रूरी है कि वो BS4 को रिप्लेस करके BS6 वाहन अब आए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, राज्य का नाम है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में अभी मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। अभी उड़ीसा में ही मोबाइल पहल वाली अभी घोषणा हुई थी। अभी यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की, तो चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कुल है 10, लोकसभा की सीटें हैं 20, कुल जिले हैं उड़ीसा में 30, और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश की सेना ने फेसबुक का फिर से उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे कि वहां की जनता को सही और सटीक समाचार प्रदान किया जा सके? तो दोस्तों, अभी म्यांमार की सेना ने फिर से फेसबुक को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। अब यहां पे बात आई है म्यांमार की, तो चलिए म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। म्यांमार के राज्य सलाहकार हैं आंग सान सू की। ब्रिटिश राज से अगर स्वतंत्रता की बात करें तो मिली है 4 जनवरी 1948 को, और इनका अपना नया संविधान जो लागू हुआ था वो था 30 मार्च 2011 को। म्यांमार की करेंसी की बात करें तो वह बर्मिस क्यात। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को, ठीक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये प्रत्यायन दिवस किस लिए है? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यापार में मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए 9 जून को विश्व स्तर पर यह विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम की बात करें तो थीम है एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो दोस्तों, इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी समुद्र की सबसे गहरे भाग अर्थात 36,000 फीट तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला, या ये बोले कि दुनिया की पहली और भी सबसे बुजुर्ग महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलिवान। ये है डॉक्टर कैथी सुलिवान,
और इनकी एज है अभी 68 ईयर, और अभी ये मारियाना ट्रेंच में सबसे ज़्यादा गहराई तक लगभग 36,000 फीट गहरे तक पानी तक ये पहुँचने का रिकॉर्ड बनाई है, वो भी 68 ईयर की एज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रॉबर्टो एजवेडो ने किस संगठन के महानिदेशक पद को छोड़ने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी रॉबर्टो एजवेडो ने WTO के महानिदेशक पद को छोड़ने की घोषणा की है, ये है रॉबर्ट, और ये अभी WTO के महानिदेशक पद को छोड़ने की इन्होंने घोषणा की है। अब यहाँ पे बात आई है WTO की, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। WTO के पूरे नाम की बात करें तो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख तो अभी यही थे रॉबर्टो एजवेडो जो कि अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके कुल मेंबर्स कंट्री की बात करें तो वह 164। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया जी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।